हेलो एंड वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी पार्टी है, इनका बहुत दिनों से एक एजेंडा या एक आइडिया है जो कि कुछ इस तरीके से है कि ये चाहते हैं कि भारत में जो तीनों चुनाव हो यानी कि लोकसभा, राज्यों के चुनाव और म्युनिसिपैलिटी और पंचायत चुनाव, ये तीनों चुनाव को एक बार एक साथ कराया जाए। ऐसा क्यों कराया जाए, इसके बारे में बीजेपी गवर्नमेंट या जो एनडीए है इनका एक अपना तर्क है। इसी के रिगार्डिंग एक पैनल को सेटअप किया जाता है जिसका कि हेड होते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जिन्होंने आज हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम को अपने रिकमेंडेशन सबमिट किए हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कोविंद पैनल में और क्या रिकमेंडेशन हैं, और हम रेफरेंस में द इंडियन एक्सप्रेस को हम रेफर करने वाले हैं। और एक बात मैं और भी आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको कि एक वीडियो में समेट पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो ये मेरे तरफ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को अपने तरफ से भी पढ़ें ताकि इस मामले में कोई आपको मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइड ना करें। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। ये आज का ही फोटो है जहां पे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम को अपने कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको सबमिट कर रहे हैं। अब अगर हम बात भारत में चुनाव की अगर करें तो कोई भी कमेटी अगर सेटअप होता है जो कि चुनाव से संबंधित अपने रिकमेंडेशंस को देता है, तो उस कमेटी के लिए चुनाव को समझना या उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को लाना या कैलकुलेट करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये हाई लेवल कमेटी जो सेटअप किया गया है यानी कि जो कोविंद कमेटी है, इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया और उस रिकमेंडेशन में लगभग कुछ 19,000 पेजेस का वो रिपोर्ट सबमिट किए हैं जो कि अपने आप में एक बहुत ही बल्की रिपोर्ट हो जाता है। क्योंकि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है यानी कि बीजेपी पार्टी है, वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए, तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही बोलेंगी ताकि उनका जो आइडिया है उसको लोग बढ़ चढ़ के स्वीकार करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में एक साथ चुनाव करवाने का मतलब क्या होता है। तो ये मैं मान के चलता हूं कि हम सभी को पता है कि भारत में तीन तरह का चुनाव होते हैं। एक तो होता है लोकसभा का चुनाव, दूसरा होता है जो स्टेट में चुनाव होते हैं, और तीसरा होता है म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव। तो इस सरकार का या वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक कोर आइडिया है वो यही है कि इन तीनों चुनाव को एक बार एक साथ कराया जाए। अब एक सवाल जो दिमाग में आ सकता है वो ये है कि क्या ये पहली बार भारत में ऐसा होने जा रहा है जहां पे राज्यों के जो चुनाव हैं या लोकसभा चुनाव प्लस पंचायत और म्युनिसिपैलिटी है ये एक साथ होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1957 में सबसे पहली बार 7 राज्यों में चुनाव एक साथ कराए गए थे जिसमें कि बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल था। लेकिन क्या होता है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कुछ अपने फायदे होते हैं, कुछ अपने नुकसान होते हैं। यहाँ पे एक आम जनता को ये हक मिलता है कि वो अपने सरकार को अपने हिसाब से चुने, लेकिन इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो भारत हो चाहे कोई और भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पूरे दुनिया में हो, पॉलिटिकल पार्टीज हर वो काम करते हैं जिस काम से उनको पर्सनल बेनिफिट मिले। कहने का मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हर वो प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो ताउम्र सत्ता में या पावर उनके हाथ में ही रहे। जिस भी सरकार या जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर सत्ता सेंटर में होता है तो वो कहीं ना कहीं जो राज्य के जो गवर्नमेंट होते हैं उनको परेशान किया जाता है, या यूं समझ ले कि हर वक्त ये प्रयास किया जाता है कि उस राज्य के सरकार को अपने अंडर में किया जाए। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी एक राज्य का जो सरकार है उसका सेंटर से नहीं बनता है, तो क्योंकि जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है इसमें सेंटर पावरफुल होता है और राज्य उसके कंपैरिजन में कमजोर होता है, तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिससे कि उस राज्य को परेशान किया जा सकता है। तो अगर आप इस वन नेशन वन इलेक्शन को अगर आप पेपर्स पे पढ़ेंगे तो ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा या होता है या जब हुआ था यानी कि 1957 के बाद से जिस तरीके से देखा गया है, तो इस तरीके से समझ में आता है कि जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर वो कंट्रोल बना के रखे। कहने का मतलब है कि अपने आप को वो कोशिश करते हैं कि हर वक्त वो सत्ता में ही बने रहें। राज्यों के अलग मुद्दे होते हैं, सेंटर के अलग मुद्दे होते हैं। जब लोग लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो सोच होता है, उनका जो देखने का तरीका होता है वो एक नेशनल लेवल पे होता है, और जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो वो बहुत ही बेसिक लेवल पे होता है, और जो पंचायत या म्युनिसिपैलिटी होता है वो और भी कह ले कि कॉलोनी वाइज लोगों का सोच होता है। तो
जो डिजाइन किया गया है आज फेडरल स्ट्रक्चर भारत में, जहां पे सेंटर का एक अलग रोल है, राज्यों का एक अलग रोल है, म्युनिसिपैलिटी या पंचायतों का अलग रोल है, तो ऐसा लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने के बाद शायद जो आम वोटर है, जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो काफी कंफ्यूज कर जाएंगे। और एज अ रिजल्ट ऐसा मालूम पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिसकी भी सरकार सत्ता में रहेगी, सेंटर में रहेगी, उसको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। अब क्योंकि सरकार को ये साबित करना है कि उनका जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये काफी अच्छा है, काफी बेहतरीन है, तो कुछ वैसा ही सरकार ये कह रही है कि अगर एक ही बार चुनाव हो जाता है तो जो पैसे का जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो घट जाएगा। हालांकि ये कहने की बात नहीं है कि सरकार जिसकी भी होती है वो टैक्स पेयर का पैसा का कोई खास रिस्पेक्ट करते नहीं है। चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल ले लो, चाहे आप सेंटर ले लो, चाहे आप स्टेट ले लो, तो ये सब कुछ वैसे ही मतलब गोल गोल घुमा के कहने वाली बातें हैं जो कान को काफी अच्छा लगे, लेकिन ग्राउंड पे जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उस पर काफी डाउट है कि एग्जैक्टली वो किस तरीके से निकल के आएगा। क्योंकि कहीं पे भी अगर चुनाव होते हैं तो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वहां पे जाते हैं चुनाव करवाने के लिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे जाते हैं, तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्च होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बहुत हमारे जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं वो भी फ्रीक्वेंटली जाते रहते हैं। तो सरकार का ये तर्क है कि जितने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको पूरे 5 साल में सिर्फ एक बार ही जाना पड़ेगा, और बाकी जो तकरीबन लगभग 4.5 साल है, उस 4.5 साल में वो अपना काम को करेंगे। और साथ में कुछ ऐसा भी तर्क दिया जा रहा है कि जहां पे अगर किसी राज्य में या सेंटर में या म्युनिसिपैलिटी में अलग अलग टाइम पे अगर अलग अलग चुनाव होते हैं तो उससे जो कॉमन जनता है उनको भी ट्रांसपोर्टेशन या उनको भी जाने आने में काफी तकलीफ होता है। जो सरकार का तर्क है, इसको पढ़ के ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इतना ज्यादा अपने लोगों के लिए सेंसिटिव है और इतना ज्यादा वो कॉमन लोगों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सरकार को अपने जो नियम लाने का प्रयास कर रहे उनको उनको प्रमोट करना है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को वो बढ़ चढ़कर ही दिखाएंगे। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर आता है तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, और अमेंडमेंट भी कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि भारत में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर को है, स्टेट को है और म्युनिसिपैलिटी को है। तो अगर सरकार किसी भी तरीके से चुनाव संबंधित अगर कोई चेंजेस करते हैं तो इसमें बेहद जरूरी होता है कि जो राज्य हैं उनका भी कॉन्फिडेंस सेंटर के साथ रहे, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वही इस देश का फाउंडेशन है। लेकिन जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे राज्यों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसका कोई इम्पोर्टेंस या उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। और साथ में अगर ये इमेजिन करता हूँ कि अगर आज 14 मार्च को लोकसभा और असेंबली के चुनाव होते हैं तो अभी से लेके 100 दिन के भीतर ही म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के भी चुनाव हो जाएंगे, ऐसा रिकमेंडेशन है इस रिपोर्ट में। क्योंकि आम जनता को वोट करना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है कि वो किस तरीके से लोगों का जो वोटर आईडी है उसको डिजाइन, उसको डेवलप करेंगे ताकि सभी लोगों को मौका मिले इस 5 साल में चुनाव में वोट करने का। क्योंकि यहाँ पे सेंटर के भी चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पे स्टेट के भी चुनाव हो रहे हैं। तो पहले क्या था कि एक बार में एक चुनाव होता था, या तो सेंटर या तो स्टेट, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इस वोट देने का प्रोसेस को अगर वो मिस कर देता है तो उसे फिर दोबारा मौका मिलेगा 5 साल के बाद, जो कि कहीं से भी उसके लिए भी अच्छा नहीं है और इस देश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इन अ वे अगर आप इसको बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से पढ़ते हैं तो पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन कागजों में काफी सुनहरा लग रहा है, और कहीं ना कहीं सेंटर का ये अटेम्प्ट है जहां पे ये स्टेट को अपने अंडर में लाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन को समझने के लिए आपको खुद से भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे ताकि कोई आपको मिसगाइड ना करे। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।